आयरन को क्या चुनना ठीक रहेगा एज अ लीड हीरो, वो भी मार्वल फ्यूचर रेवोल्यूशन में। तो चलिए बात करते हैं एवरीवन। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आयरन मैन सही है कि नहीं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब आप आयरन मैन को एज अ लीड हीरो में यूज करते हैं तो आप लोगों को पहले एम्बेस में जाना पड़ता है, वो भी असेंबल के लिए, जो इसका एक पार्ट चलता है। तो हमें इसकी स्टोरी मोड दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे एनिमी एलो जैकेट में खड़े रहते हैं, एंड इसके बाद आयरन मैन की यहाँ पर एंट्री होती है। तो एक प्लैनेट रहता है अलग से, स्पेस रहती है टाइप का, तो इसमें बहुत सारे एनिमीज रहते हैं। जो एम बेस हमने कैप्टन मार्वल के साथ खेला था वही वैसे ही इसका जो एम बेस इसमें दिखाया गया है, इसमें वही सारे एनिमीज रहते हैं जिनसे हमें फाइट करना पड़ती है, एंड इनसे फाइट करते हुए हम आगे पहुँचते हैं। तो हम फटाफट इन एनिमीज को यहाँ पर मार देते हैं, एंड इसके बाद हम पहुँचते हैं जो एक छोटा सा प्लेन रहता है जिसका नाम मोडक रहता है, वो हमें दिखाई देता है, एंड उनके बीच में कुछ बातें होती हैं जो हमें कुछ समझ में तो नहीं आता है कि इसको किस स्टोरी मोड से लिया गया है, लेकिन इसके साथ हमें फाइट करनी पड़ती है। देन हम इसके साथ सारी जो अपनी पावर्स रहती हैं उनके साथ फाइट करते हैं, एंड इसके बाद जब ये इसकी जो लास्ट फाइट रहती है ख़त्म होने वाला रहता है, तो ये अपना कोई बटन दबा कर यहाँ से निकल जाता है, दूसरे पोर्टल या डायमेंशन में चला जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो एक और अदर डायमेंशन से जो हमारा आयरन मैन निकल कर आता है, एंड वो हमें बताता है कि जो भी अपना असेंबल का जो भी क्राइटेरिया है वहाँ पर हमें कुछ मिशंस करने हैं, हमारे सारे जो डायमेंशन के हीरो हैं, तो वहाँ पर ये उसको कन्वेंस करता है। देन ये भी वहाँ पर जो इसकी लॉबी रहती है मैन वहाँ पर पहुँच जाता है, जैसे कि पिछले जो हम कैरेक्टर बताए थे आप लोगों को, जो कैप्टन मार्वल थी वो भी वहाँ पे चला गया था, एंड जो कैप्टन अमेरिका था उसका भी जो गेम प्ले था लॉबी में चला जाता है, एंड इसके बाद वही सेम मिशन होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं अब आप लोगों से बात करने वाला हूँ आयरन मैन के जो कॉस्ट्यूम होने वाले हैं वो किस प्रकार के होंगे। तो यार जो आयरन मैन की कॉस्ट्यूम की वैरायटी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, यानी कि आप लोगों को हर डिज़ाइन में कॉस्ट्यूम देखने को मिलेंगे आयरन मैन के, चाहे वो न्यूयॉर्क सिटी का कॉस्ट्यूम क्यों ना हो या फिर जेंडार्क के कॉस्ट्यूम की वैरायटी हो। इसके बाद जैसे कि मिडगार्डिया के कॉस्ट्यूम भी आप लोगों को पहनना हो तो वो भी आप लोगों को मिल सकते हैं इसमें, एंड इसके अलावा भी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें साकार प्लैनेट भी दिखाई दिया था, तो उसके हिसाब से आप लोगों को इसमें कॉस्ट्यूम देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोगों के जैसे हेलमेट हो गया, आर्क रिएक्टर हो गया, और भी जैसे बूट हो गए, तो इनके आप लोगों को अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेगी। जो इसका आर्मर रहता है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें जैसे गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के आप लोगों को वैरायटी भी इसमें देखने को मिल सकती है, एंड इसके बाद फियर सेल्फ हो गया। तो आयरन मैन ऐसा एक कैरेक्टर है, आप लोगों को इसमें बहुत सारे कॉस्ट्यूम देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वो अपना अपना जो आर्मर है वो अपडेट करता रहता है अपने फाइट के हिसाब से, तो आप लोगों को अलग अलग फाइट सीन में अलग अलग कॉस्ट्यूम देखने को मिलता है। तो इसमें आप लोगों को बहुत सारे कॉस्ट्यूम ऐसे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद बात करें तो मार्वल स्टूडियो सिनेमेटिक का जो आप लोगों को कॉस्ट्यूम देखने को मिले थे, जैसे मार्क 85, 83, मार्क 1 हो गया, तो वो भी आप लोग इसमें देखने को मिल जाते हैं, वो भी एक्यूरेट आप लोग पैसे मैनिकन को खेल सकते हैं। मार्क 1 हो गया, इसके भी बहुत सारी वैरायटी कलर मिल जाते हैं, आप लोग अपने हिसाब से इनको चूज कर सकते हैं एंड अपना गेम प्ले अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोगों को अचीव करने के लिए कुछ धनराशि देनी पड़ती है, तो वो आप लोगों को तो पता ही है कि कोई भी आप लोग कॉस्ट्यूम ऐसे ही परचेस नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो इनके हिसाब से भी कॉस्ट्यूम मिल जाते हैं, और जो हाइड्रा एम्पायर में जैसे आप लोगों को कैप्टन अमेरिका का बताया था या फिर जो कैप्टन मार्वल का बताया था, तो ऐसे ही आप लोगों को आयरन मैन कॉस्ट्यूम भी मिलेगा हाइड्रा एम्पायर का। एंड इसके बाद आप लोगों को अलग से कुछ जैसे सेवेज शैडोलैंड के कैरेक्टर के जो कॉस्ट्यूम है वो भी आप लोगों को एज अ आयरन मैन के रूप में मिल जाएगा, तो आप लोग वो भी पहन के खेल सकते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से आयरन मैन के स्किल के बारे में, एंड जो आयरन मैन का कंट्रोल होने वाला है वो कैसा होगा। तो यार दोस्तों मैं बताऊँगा आप लोगों को, तो आयरन मैन काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं रहता है, काफ़ी इजी वे में आप लोग खेल सकते हैं। कैप्टन अमेरिका जैसा इसका डिफ़िकल्ट रेशियो 4 नहीं है, इसका सिर्फ 0 या 1 आप लोग मान सकते हो, क्योंकि इसका जो खेलने का आप लोगों को गेम प्ले काफ़ी इजी पड़ने वाला है। तो इसके जो एनर्जी हो गई या फिर जो इसका जो आर्मर हो गया वो काफ़ी वीपनलेस रहता है, तो आप लोगों को ज़्यादा कर डिफ़िकल्ट सामना नहीं करना पड़ता, काफ़ी इजीली आप इसका गेम प्ले खेल सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देख सकते हो स्किल देखने को मिलेगी आप लोगों, जैसे उसकी आर्क एनर्जी हो गई या फिर उसका जो आर्मर है काफ़ी ज़्यादा बीपन से लेस रहता है, तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ आप लोगों को मारताड़ नहीं करनी पड़ती, आप इजीली जो एनिमीज रहते हैं उनको डिफीट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लोगों को, उसकी जो पोटेंशियल, इसके जो आर्क गॉन्टलेट रहता है, इसका जो आर्क रिएक्टर रहता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है। इसके बाद भी आप लोगों को बहुत सारे इसके बेसिक अटैक हो गए, पंचेस हो गए, आप लोग इसको ग्राउंड लेवल पर भी अटैक कर सकते हो या फिर उड़कर भी इसको मार सकते हो आप लोग, एंड आप लोगों को जैसे रिएक्टर की पावर देखने को मिल सकती है। इसमें बहुत सारी जो इसकी पावर रहती है वो जब
इसका यूज करता है एनिमीज पर जब, तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है एनिमीज को। तो आप लोगों को जो आयरन मैन की जो स्किल है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाने वाली है, एंड जो इसका गेम प्ले जो और कंट्रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज है। एंड इसको ऑटो प्ले पर आप डाल दोगे तो आप लोग इजीली अपने एनिमीज को डिफीट कर सकते हो, आप लोग अपने हैंड का यूज कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कठिन नहीं रहता है। जैसा आप लोगों को मैंने बताया था, स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका का गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा स्किल वाला बंदा ही खेल सकता है, उसको थोड़ा आप लोगों को स्किल जो इसकी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड फ्लोर की रहती है, तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप लोगों को आयरन मैन में इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये था आप लोगों के लिए एक आयरन मैन की जो स्टोरी लाइन है, उसका जो कॉस्ट्यूम है या फिर उसका कंट्रोल है, उससे रिलेटेड वीडियो। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया अगर, तो आप लोगों को और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने एक ही वीडियो में सारा कुछ बता दिया है। एंड जो आप लोग कैप्टन अमेरिका या फिर कैप्टन मार्वल या फिर जो आयरन मैन हो गया, इनका गेम प्ले करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कठिन नहीं है। और ये जो टॉप 3 हीरो हैं जो मैंने आप लोगों को जैसे लिस्टेड बताऊंगा, एंड और भी कैरेक्टर हैं उनके वीडियो मैं आप लोगों को जल्दी पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को पुराने वीडियो देखना हो तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आयरन मैन काफ़ी अच्छा, जो बिगनर अगर इसको करना चाहते हैं एलीट हीरो में, अगर इसके साथ स्क्वाड बनाकर खेलना चाहते हैं तो इसको खेल सकते हैं, ऐसा ही एलीट हीरो में ले सकते हो आप लोग। एंड काफ़ी ज़्यादा कठिन नहीं होने वाला, इसका गेम प्ले काफ़ी अच्छा है। एंड जो आप लोगों को इसके बाद बेटल देखने को मिलने वाली है, जो इसके ओमेगा पार होंगे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो आप लोग आसानी से उनको खेल सकते हो। तो इनके जो रेशियो हैं, क्राइटेरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है। तो यार आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, देन मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।